आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही भारी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। भाजपा की ओर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव और बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वही सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू होने के साथ ही बूथों पर लोगों का भारी हुजूम भी उमड़ने लगा। मतदाताओं की भीड़ बूथों की ओर से निकली तो सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। वहीं रामपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे देने के बाद से ही खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में आजम के करीब यासिम रजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी समेत कुल 6 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं। रामपुर लोकसभा सीट में 70 लाख से अधिक वोटर्स हैं। यहाँ 50% हिंदू और करीब 49% मुस्लिम मतदाता हैं। तो आपको बताते चले कि आज 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और बूथों पर जो मतदाता है उनका भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि ये दोनों ही सीटें ऐसी हैं जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे देने के बाद से ही ये सीट खाली हुई थी। वहीं आज इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में आजम खान के करीब यासिम रजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी समेत टोटल 6 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखा जाए तो आजम खान के करीबी यासिम रजा और बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम लोधी के बीच देखने को मिल रही है। मतदाताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी गर्मी में अभी शुरुआत हुई है और मेरे ख्याल से ऐसी गर्मी है आज की तारीख में, और ऐसी गर्मी में ये लोग निकल के आए हैं बेचारे, तो इनका मैं समझता हूँ बड़ा उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर। और उत्साह क्या ये बताता है कि चुनाव हम तो एक तरफा कमल खिल रहा है। क्या मुद्दे हैं आगे, किन मुद्दों पे? मुद्दा विकास है। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो विकास कराया हमारे देश में और प्रदेश में, है ना, उसका ये स्वरूप है और हर आदमी खुश है आज की तारीख। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपुर से हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना जुड़ चुके हैं। तुषार, अगर देखा जाए तो आज रामपुर में जो लोकसभा की सीट है उस पर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या कुछ नजारा इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आज सुबह 7 बजे से रामपुर में चुनाव स्टार्ट हो चुका है। लगातार यहां पर लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और यहां पर आके वोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रामपुर की जो जनता है उन लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर अगर चुनावी अगर गर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो भाजपा अभी बात दिलचस्प बस यही होगी कि शाम तक जो किसका मतलब पर्चा ले रहा था दिखाई देता है। जी तुषार, अगर देखा जाए तो इस दौरान जो उपचुनाव हो रहा है इसमें किन किन पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए अगर टांके मतलब इसकी अगर बात करी जाए तो रामपुर में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, एक भाजपा और एक सपा, और दोनों ही पार्टियां लगातार मतलब काफी दिनों से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। अगर देखा जाए तो जो भाजपा के मतलब बड़े से बड़े नेता यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर लोगों से वोटों की अपील की थी। वहीं अगर दूसरी ओर अगर सपा की बात करी जाए तो वहां पर मतलब कोई ऐसा मजबूत नेता मतलब यहाँ रामपुर में नहीं आया जिन्होंने यहाँ पर आके वोटों की अपील की हो। अब या तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो सपा के जो यहाँ के जो गद्दावर नेता आजम खान उनको मतलब किसी चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं है। वही अगर देखा जाए तो मतलब भाजपा के जो है मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे। अब देखते हैं कि मतलब कि जो रामपुर की जो जनता है वो किसकी ओर आकर्षित होती नजर आती है। जी तुषार, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपचुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ तो रामपुर पहुंचकर उन्होंने जनता को साधने का प्रयास किया, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक भी बार रामपुर नहीं पहुंचे, तो क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है कि वो रामपुर नहीं पहुंचे?
देखिए यही तो मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ कि अगर वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आए थे और उसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो भी यहाँ पर आए थे। लगातार उन्होंने मतलब यहाँ पर आकर लोगों से वोटों की अपील की है, जनसभाएं की हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सपा का मतलब जो उनकी सुप्रीमो है अखिलेश यादव वो भी नहीं आए, और उसके अलावा कोई मतलब कोई ऐसा मजबूत मतलब कोई नेता ऐसा मतलब यहाँ पर नहीं आया कि जिन्होंने यहाँ पर आके वोटों की अपील की हो। तो शायद अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो रामपुर में जनता के बीच पहुंचे, उन्होंने जनता को साधने का प्रयास किया, तो क्या लगता है इसका क्या कुछ असर पड़ेगा इस मतदान के दौरान? देखिए असर की बात तो ये है, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के चाहने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वैसे रामपुर को जो है वो सपा का गढ़ माना जाता है। अब सपा के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की है, अब इसके साथ ही विकास के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया, लोगों को एक अब एक बात समझाई कि किस तरीके से मतलब भाजपा ने विकास किया है नहीं किया है, ये सारी बातें अब उन्होंने जनता को पूरी तरीके से रिझाने की पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश कर ली वो भी थे, और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री थे उन मतलब जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उससे एक दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। अब इन दोनों ने लगातार यहाँ पर, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं और भी काफी सारे मतलब बड़े दिग्गज मंत्री लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे। अब इन सब लोगों ने लगातार रामपुर के अंदर दौरे किए, जनसभाएं की हैं, लोगों से बातचीत की है, जनता की मतलब जो यहाँ पर विकास किए हैं इन लोगों ने वो भी सब बताए हैं। फिर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सपा के जो आजम खान है वो भी लगातार लोगों के बीच में गए हैं, बातचीत करी है। आसिम राजा है जो प्रत्याशी है सपा की तरफ से, वो भी लगातार लोगों के पास गए, बातचीत करी है। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि लोग जो है किसकी तरफ को बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जो सपा है उन्होंने भी खैर लगातार मेहनत करी है, जो भाजपा है वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब ये तो क्या जनता डिसाइड करेगी कि मतलब वो किसकी ओर को आकर्षित होती है। जी तुषार, अगर देखा जाए तो आजम खान ने जेल से निकलने के बाद ये पहली बार किसी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया है, तो रामपुर में किस पार्टी की हवा आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आप जनता के बीच रहते हैं, जनता से उनके मुद्दे समझते हैं, तो क्या लगता है कि जो रामपुर की जनता है उनका मूड क्या है इस वक्त? देखिए अगर मैं अगर आपसे रामपुर की जनता की राय की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, लोगों से बातचीत की थी, और हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार हमारी टीम लोगों से बातचीत कर रही है, उनकी जनता की जो राय है वो लगातार जान रही है। तो जनता का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि क्या बोलते हैं कि देखिए आजम खान है, उन्होंने रामपुर में लगातार विकास किए हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इस चीज से नाराज है कि आजम खान कभी इस्तीफा देते हैं, कभी ज्वाइनिंग करते हैं, कभी इस्तीफा देते हैं, कभी ज्वाइनिंग करते हैं। तो देखिए जब बार बार अगर उपचुनाव होता है चुनाव होता है तो उसमें सरकार का बहुत बड़ी हानि होती है, और इसके साथ ही जो आम जनता है उसको भी बहुत बड़ी हानि होती है। तो कहीं ना कहीं अगर नाराजगी वाली बात करी जाएगी तो सिर्फ जनता की नाराजगी इस चीज पर रहेगी, क्योंकि आजम खान इस्तीफा देते हैं उसके बाद फिर ज्वाइनिंग करते हैं, इस्तीफा देते हैं फिर ज्वाइनिंग करते हैं। जी तुषार, अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही वहां पर लोग मतदान देने पहुंच रहे हैं, तो 9 बजे तक का वहां का मतदान प्रतिशत कितना देखने को मिल रहा है? देखिए अभी तक प्रतिशत तो खैर पूरा खुल के नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी तक अभी जो है हाल फिलहाल में अभी सुबह 7:30 बजे करीब जो भाजपा के जो प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी उन्होंने आके अपना वोट डाला है, और हम उनके गांव में भी गए थे सुबह सुबह के टाइम में जहां पर मतलब उनका वोट है वहां गए थे, लोगों से हमने बातचीत की थी, तो वहां के लोगों का ये कहना है कि हम भारी मतों से कमल का फूल खिलाएंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि दोनों प्रत्याशी लगे हुए हैं लेकिन अभी तक आजम खान ने अभी तक वोट नहीं डाला है। जी तुषार, अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने एक बेहद ही बड़ा रोल प्ले किया था सरकार बनाने में, और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं घर से निकलकर मतदान देने पहुंची थी, तो क्या रामपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि रामपुर में जो महिलाएं हैं वो लगातार हमेशा आगे रहती हैं, चाहे वोट हो या कोई अपील हो या कुछ भी एक्सपायर हो, लेकिन अगर यहाँ आज वोट की बात करी जाए तो महिलाएं भी और जो वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी 60 साल से ऊपर एज है, 70 साल से ऊपर, 80 साल की इस इतनी हाई क्लास की जो एज है, वो लोग भी मतलब निकल के आ रही हैं महिलाएं, और लगातार अपने वोटों से अपने मतलब मतदान का उपयोग कर रही हैं। जी तुषार, इस वक्त आप देखा जाए तो जो मतगणना जो मतदान स्थल है उसके बाहर मौजूद है, तो वहां पर आप लोगों से संवाद करें और लोगों से उनकी लोकप्रिय पार्टी के बारे में जाने कि आखिर उनका पसंदीदा कैंडिडेट कौन है। जी बिल्कुल, मैं क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो लगातार यहाँ पर अपने मतलब यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, तो आइए कि मतलब हम कुछ लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी तुषार जी, क्या नाम है आपका? आसिफ जी। आज यहाँ पे आप वोट डालने हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आप? तो विकास के रहेंगे। तो क्या लगता है मतलब देखिए लगातार मतलब जो ये बड़े बड़े जो नेता लोग हैं जैसे कि मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर आए थे और सपा की तरफ से ऐसा मतलब कोई नहीं आ पाया, तो क्या लगता है कि मतलब किसकी तरफ को मतलब जनता की छिड़ेगी? तो भाई हम तो चाह रहे हैं विकास ही हो,
ज्यादातर अच्छी बात है, कोई भी जीते कोई भी हारे तो हमें नहीं मालूम, हमारा विकास होना चाहिए। जी जी बिल्कुल जी, इनका कहना यह है कि देखिए पार्टियां तो मतलब खैर जो भाजपा है वो भी लगातार मेहनत कर रही है, जो सपा है वो भी मेहनत कर रही है, लेकिन इनका कहना सिर्फ देखिए जो जनता का कहना है वो ये है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लोगों में भाईचारा बना रहे। जी मुद्दा क्या निकल के सामने आ रहा है कि वो किस मुद्दे को लेकर पार्टी को वोट देंगे? देखिए मेन मुद्दा जो जनता का है वो विकास का है और भाईचारा बना रहे, और इसके साथ ही बताऊं जनता के देखिए और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो छोटे मोटे मुद्दे, लेकिन जो मेन मुख्य मुख्य जो मुद्दा सामने आता है वो यही आता है कि रामपुर में विकास होना चाहिए। जहां पर हम रहते हैं देखिए बहुत से लोग ये था कि उनके घर के बाहर नालियां हैं वो टूटी पड़ी हैं, सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, लोगों के आवास नहीं मिल पा रहे हैं, तो बस लोगों का यही कहना है कि बस विकास होना चाहिए, क्योंकि देखिए जनता जो सरकार से एक उम्मीद करती है वो यही उम्मीद करती है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए, जो युवा होते हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो वृद्ध हैं उन लोगों के लिए पेंशन होना चाहिए, और भी मतलब ऐसे बहुत सारे हर किसी की अपनी अपनी एक नॉर्मल मतलब समस्याएं होती है। जी अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन कितनी अलर्ट नजर आ रही है, कितनी मुस्तैदी से वहां पुलिस प्रशासन काम कर रही है? पिछले जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब से लगातार रामपुर एसपी और रामपुर के डीएम लगातार गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इसके साथ में क्या कहते हैं लोगों से सोशल साइट्स पर भी वो लोग एक्टिव हैं, क्योंकि देखिए डीएम की और एसपी की एक क्या बोलते हैं सोशल साइट्स पर एक उन लोगों की वो होती है कि लोगों से वो बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल एक ही ट्रेंड बन चुका है कि लोग जो है वो सोशल साइट्स के नाम पर बहुत सारे ऐसे निगेटिविटी लोगों मतलब बहुत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्हीं चीजों को लेकर रामपुर के एसपी डीएम और भी मतलब अधिकारी वो सब लगातार अपनी मतलब बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ पोलिंग बूथ की बात की जाए तो पोलिंग बूथ पर भी लगातार पुलिस यहाँ मौजूद है, कमांडो मौजूद है, और भी लोग हैं मतलब पैरामिलिट्री फोर्स है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी तुषार, इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं क्या वहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं? तो आप महिलाओं से बातचीत करिए और उनके मुद्दे जानिए कि आखिर उनके मुद्दे क्या कुछ निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पर महिलाएं तो अभी मेरे को दिखाई नहीं दे पा रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी पुरुष है और पुरुष भी लगातार लाइन में लगे हुए हैं, तो महिलाएं तो अभी नजर नहीं आ पा रही है। जी तुषार, देखिए आप जी जी ये हमारे महिला निकलती हुई नजर आ रही है, आपसे बातचीत करिए। क्या ये बात? जी क्या नाम है? उलझा जी, आज आप वोट डाल के आई हैं, तो क्या मुद्दा रहने वाला है आपका जो आप मतलब वोट डालते? अब जो तो किस्मत है, नहीं किस्मत है वो अलग की ठीक है, लेकिन मतलब कुछ तो आपका मुद्दा होगा कि मतलब इस मुद्दे को लेके हमने आपने किसी को भी वोट करा, लेकिन मतलब क्या मुद्दा है आपका? मेन मुद्दा तो हमारी जो रामपुर की है वही है जी, विकास। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं देखिए हमने अभी एक महिला से बात करी, उन्होंने यही बताया है कि मेन जो है जो उनका मुद्दा है वो विकास ही रहेगा, महिलाओं का भी यही कहना है। जी तो सारा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हमेशा नजर आता है कि अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो जो यूपी की राजनीति है वो अक्सर जो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है, लेकिन अब जो जनता का है वो कहीं ना कहीं वो मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो विकास के नाम पर वोट देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो ऐसा कहते थे लोग और ऐसा ये चीजें एक ट्रेंड बना हुआ था कि जो राजनीति होती है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब धर्मों को लेके की जाती है, क्या बोलते हैं, और ऐसा देखिए लोगों की जो मेंटेलिटी है ना वो भी कहीं ना कहीं ये बन चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं अब जो जनता है वो बहुत समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, अब उसे पता है कि हमें हिंदू या मुस्लिम में नहीं फंसना है, उसको पता है कि क्या बोलते हैं कि मुझे अगर वोट करना है तो विकास को उनके अपने एक मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए आज पहले जो है मतलब क्वालिफिकेशन की बहुत कमी होती थी, तो जनता जो थी वो हिंदू मुस्लिम मतलब धर्मों पर ही मतलब टिकी रहती थी कि अगर वो उनका जो प्रत्याशी है वो हिंदू है तो उसकी तरफ हिंदू भाग गया, जो मुसलमान है उसके पीछे मुसलमान का, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जो सिर्फ जो वोटर मतलब जो चुनाव रह गया है वो सिर्फ जो है हर किसी के अपने मुद्दे हैं और वो अपने मुद्दों को देकर ही चुनाव करते हैं। जी तुषार, अगर देखा जाए तो 2017 के जो चुनाव थे और इस बार का जो लोकसभा का उपचुनाव है, तो इसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है या क्या कुछ नया निकल के सामने आ रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं नया तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि आजम खान ने जिस तरीके से लगातार मतलब अभी इससे इस्तीफा दिया है, उसके बाद अब वो दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने अपने एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, भाजपा ने भी खड़ा कर दिया, तो देखिए ये चुनाव उपचुनाव में जो है सिर्फ ये लोगों का जो कहना है जनता का, मैं वो बता रहा हूँ जनता की राय कहना ये है कि देखिए ये चुनाव उपचुनाव होते हैं तो उसमें जनता का भी बहुत बड़ा हानि है, इसके साथ ही क्या नाम है जो सरकार है उसकी भी हानि है, तो जनता इससे कहने का परेशान भी है, लेकिन क्या करें, लेकिन जनता का कहना ये है लेकिन क्या करें, ये चुनाव है तो मतदान करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुषार देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब रामपुर से यही निकल के सामने आ रहा है कि अब लोगों में कहीं ना कहीं आजम खान के खिलाफ एक गुस्सा देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वो गुस्सा भी इसीलिए है क्योंकि देखिए, क्योंकि जो इस्तीफा दिया इन्होंने उसके बाद फिर चुनाव हो रहा है, फिर इस्तीफा, बस एक यही एक वजह है। और इसके अलावा देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो ये क्या बोलते हैं, अभी आजम खान जेल भी गए थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी शायद बदली भी हो, लेकिन जो उनके जो मजबूत वोट है वो उनके साथ अभी भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। यानी कि ये कहा जाए साफ तौर पर कि रामपुर में कहीं ना कहीं अब आजम खान का जो जादू है वो उस हद तक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो पहले चलता था। देखिए कि अगर इस चीज को लेकर अगर बात की जाए जी, तो क्या होता है, देखिए अभी इसी चीज का एक एग्जांपल अभी इन्होंने दिया था कि आजम खान जेल में थे, लेकिन उसके बाद भी आजम खान ने बाहर आने के बाद ये कहा था कि मैं जेल में था, उसके बाद भी मेरे को डबल वोट मिला है। तो इससे तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लोग आजम खान के चाहने वाले को जा देंगे रामपुर में। बिल्कुल जी। तो शार, अगर देखा जाए साफ तौर पर कि जब अभी बीते महीने जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें यूथ ने भी एक बेहद ही बड़ा रोल प्ले किया था किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने में और भाजपा को चुनाव जिताने में, तो रामपुर में इस वक्त यूथ कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए अगर यूथ की बात करी जाए तो रामपुर का जो यूथ है उसके भी एक अलग ही मुद्दे है। वो क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला तो रामपुर के जो यूथ है उनका कहना ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। अब उनको ये दिखता है कि सपा में क्या रोजगार था, भाजपा में क्या रोजगार है, तो अगर उनको जहां लगता है अभी हाल फिलहाल में अगर पीछे देखा जाए विधानसभा चुनाव में, तो उसमें रामपुर का जो यूथ है उसने लगातार भाजपा को सपोर्ट किया था, भाजपा को खूब मतलब लगातार खूब सपोर्ट किया, सब कुछ किया था, उसके बाद भी भाजपा को हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यूथ है वो बेरोजगारी अभी हाल फिलहाल मतलब बेरोजगार है, उसके भी अपने अलग ही मुद्दे जी। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि कहीं ना कहीं रामपुर ही नहीं पूरे जो प्रदेश है उसका ही मुद्दा यूथ का है रोजगार। जी जी तुषार, धन्यवाद तुषार इस खबर पर जुड़कर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जहां वो पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद थे, और उन्होंने हमें साफ तौर पर तस्वीरें भी दिखाई कि अब जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, वो विकास के मुद्दे पर वोट देगी, और जो यूथ है वो रोजगार के मुद्दे पर वोट देगा। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी तक राजनीति की धुरी, जिसे कहा जा रहा था कि धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब उससे विपरीत जनता भी अब विकास के मुद्दों पर ही अपने प्रत्याशी को चुनेगी, अपने प्रत्याशी को जिताएगी। तो वहीं साफ तौर पर देखा जाए तो रामपुर की एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट से आजम खान के करीबी आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां आजम खान ने अपने प्रत्याशी के लिए जनता के बीच जाकर उनका समर्थन मांगा था, जनता के बीच पहुंचकर उनका वोट मांगा था, तो वहीं घनश्याम लोधी के समर्थन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे थे, साफ और साथ साथ डिप्टी सीएम भी उनके समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि रामपुर की ऐसी सीट है जिस पर इस वक्त पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है कि आखिर यहाँ से आजम खान के करीबी आसिम रजा को जनता चुनती है या फिर बीजेपी के घनश्याम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।